आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। अरे ये किन है आपकी रात में 25 लाख उसमें नागपुर से मुंबई की ओर जा रही बस बुलढाणा के पास भीषण हादसे का शिकार हो गई। बस का टायर फटने से उसमें आग लग गई और 25 लोगों की जलकर मौत हो गई। बस का भीषण हादसा समृद्धि मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि बस में करीब 32 लोग सवार थे और अचानक बस में आग लग गई, जिससे लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें बुलढाणा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बस नागपुर से मुंबई जा रही थी। घटना देर रात करीब 2 बजे की है। हादसा ऐसे समय हुआ जब बस में सवार सभी यात्री नींद में थे। उनकी हालत देखकर समझा जा सकता है कि आग लगने के बाद बस अचानक पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कहा, लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। 7-8 लोग गाड़ी से निकले हैं, किसी तरह कोशिश करके अपनी जान बचा दी, लेकिन बदकिस्मती से 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और ये मौत एक्सीडेंट से ज्यादा जलने से मौत हो गई है, बिकॉज ऑल द बॉडीज आर चार्ज, बैटरी चार्ज। क्या लोग थे इसमें? 33 लोग थे। अब तक चार्ज आ गया कि 33 लोग थे। पैसेंजर भी हमारे पास अभी आ रही है, लेकिन बीच में कुछ स्टॉप से, पिकअप पॉइंट से कुछ लोग चढ़े हैं, कुछ उतरे हैं। इसका कुछ कैलकुलेशन आने के बाद ही सही फिगर पता चलेगा। ये बस नागपुर से पूना जा रही है। जख्मी तो अभी यहाँ सिंधिया राजा में और बेहतर में तो दो लोग औरंगाबाद से। अभी उनकी स्थिति बेहतर है। मैंने आपसे कहा कि गाड़ी के एक्सीडेंट से लोगों को मार ज्यादा नहीं आई है, थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन ज्यादा क्षति, ज्यादा हानि जो हुई है वो जलने से। नहीं, इसमें से कोई जला नहीं, जब आग लग रही थी तो गाड़ी छोड़ दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।